महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। बीजेपी से लेकर सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुंबई में एक रोड शो में शामिल हुए और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बने गठबंधन को भारी वोटों से जीत दिलाने की अपील भी की। राजनाथ सिंह से बात की है हमारे सहयोगी संजय प्रभाकर ने। मुंबई और समूचे महाराष्ट्र में चुनाव का दौर जो है जोरदार चल रहा है। देश के रक्षा मंत्री यहाँ पर हमारे साथ हैं, राजनाथ सिंह, जो इस समय गोरे गांव पश्चिम में हैं। राजनाथ सिंह जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय जोरदार चुनाव प्रचार चल रहा है महाराष्ट्र में, आपको लग रहा है कि विपक्ष के तरफ से कोई चुनौती है? दो तिहाई से अधिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आरपीआई युति को हासिल होने जा रहा है, जैसा माहौल मुझे इस महाराष्ट्र में देखने को मिला है उससे। इस समय विपक्ष का आरोप है कि अर्थव्यवस्था गिर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन भाजपा का कहना है और केंद्र में मोदी सरकार का कहना है, आपका कहना है कि पूरे देश में जो सुरक्षा बढ़ी है, देश का नाम काफी बढ़ा है, तो ऐसे में आप किन मुद्दों को लेकर जो है जनता से वोट मांगेंगे राजनाथ सिंह साहब? फडणवीस के नेतृत्व में यहाँ महाराष्ट्र की सरकार ने जो काम किया है उन कामों की हम चर्चा आम जनता के बीच कर रहे हैं, वहीं पर हमारी केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सारा देश इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। जी, जिस तरीके से 370 खत्म किया गया और तीन तलाक का मुद्दा, इस पूरे मामले पे लेकर आप पूरे देश और समाज को लेकर, क्या आपको लग रहा है पहले से भी ज्यादा सीट मिलेगी? नहीं, इसमें मैं आश्वस्त हूँ। आपने देखा होगा कि 2014 में लोकसभा की जितने हम सीटें हमको प्राप्त हुई थी। राहुल गांधी कल यहाँ पर आए थे सिंह साहब, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है गरीबी बढ़ रही है, किसानों के आत्महत्या को लेकर देवेंद्र सरकार और मोदी सरकार गंभीर नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि गाँव के लिए और किसानों के लिए हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जैसा काम किया है, इसके पहले की किसी भी कांग्रेस की सरकार ने अथवा कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं। सब आखिरी सवाल, आप अपील क्या करेंगे यहाँ की जनता से? मैं यहाँ की जनता से यही अपील करूँगा कि आपने पिछली बार भी 2014 में भी, 2015 के चुनाव में भी आपने महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना युति की सरकार बनाई थी, इस बार भी उससे अधिक बहुमत के साथ युति की सरकार बनाए, यही मैं अपील करना चाहूँगा। राजनाथ सिंह जी, जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा कि वो लोगों से अपील करेंगे कि पिछली बार से ज़्यादा वोट देकर, जो मोदी सरकार ने नीतियाँ बनाई, योजनाएं चल रही हैं जनहित में और देश के हित में, उन सभी को मामलों को लेते हुए, और देवेंद्र सरकार ने जिस तरीके से पिछले 5 साल में काम किया है उसका लोग जो है एक तरीके से उसका साथ दें, और पिछली बार से ज़्यादा वोट देकर जो है महाराष्ट्र में भाजपा और उसके गठबंधन को जिताएं। मुंबई से संजय प्रभाकर, R9 TV के लिए।